वन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर बी, एंड नंबर ऑल आर फोर डिजिट नंबर, 1234, 1234, 1234, 1234. सो कंपेयर 1000 प्लेस 8, 9, 6, 6. सो 8 and 9 आर ग्रेटर देन 6. सो वी टेक दिस टू नंबर एंड स्टार्ट कंपेयरिंग. 1000 प्लेस आर सेम, सो कंपेयर 100 प्लेस विच इज स्मॉलर. 8 इज स्मॉलर देन 9. सो फर्स्ट स्मॉलर नंबर 6890, सेकेंड 6980, देन 8960, एंड फोर्थ इज 9680. सो दिस क्वेश्चन नंबर सी इज फॉर योर होमवर्क. सो अवर क्वेश्चन नंबर सेकेंड, रीराइट द नंबर इन डिसेंडिंग ऑर्डर. आपको नंबर कैसे अरेंज करना है? डिसेंडिंग, डिसेंडिंग इट मीन्स ग्रेटर टू स्मॉलर. सो आप यहाँ पे नंबर्स चेक करेंगे, सब में फोर डिजिट है, ऑल आर फोर डिजिट नंबर. सो चेक देयर 1000 प्लेस विच इज ग्रेटर, 8000, 6000, 7000, 8000, 6000. सो विच इज ग्रेटर, 8512, देन 7310. हमें इसमें कैसे अरेंज करना है? ग्रेटर टू स्मॉलर, सो ग्रेटेस्ट नंबर देन सेकेंड ग्रेटेस्ट नंबर. फिर यहाँ पे हम चेक करेंगे 6000 प्लेस दोनों में सेम है, तो हम यहाँ पे कौन सा प्लेस में चेक करेंगे? 100 प्लेस. दोनों का 100 प्लेस भी सेम है, देन कंपेयर द कंपेयर टेंथ प्लेस. 5 इज ग्रेटर देन 4, सो थर्ड ग्रेटेस्ट नंबर 6150, एंड लास्ट जो ग्रेटेस्ट नंबर, लास्ट जो स्मॉलेस्ट नंबर है 6142. सेम इसी प्रोसेस से हम सेकेंड क्वेश्चन भी करेंगे. नंबर ऑफ डिजिट आर सेम, फोर डिजिट नंबर. सो चेक देयर 1000 प्लेस 7586, विच इज ग्रेटर, 8235, देन 7251, थर्ड 6375, एंड लास्ट 5570. सो क्वेश्चन नंबर सी इज योर होमवर्क, फॉर्मिंग स्मॉलेस्ट एंड ग्रेटेस्ट नंबर. आपको जो गिवन नंबर है उससे आपको स्मॉलेस्ट एंड ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड फॉर्म करना है. सो फर्स्ट, व्हेन वी फॉर्म स्मॉलेस्ट नंबर, वी अरेंज द गिवन नंबर इन असेंडिंग ऑर्डर. असेंडिंग इट मीन्स स्मॉलर टू bigger, and when we find greatest number, we arrange the given number in descending order. It means descending means greater to smaller or bigger to smaller. So smallest number form, हमारे पास given number क्या है? 4, 7, 5, और हमें arrange करना है इसे असेंडिंग ऑर्डर में जब हमें स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड करना है. सो स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे? स्मॉलर टू बिगर, स्मॉलर 4, देन 5, देन 7. सो अवर स्मॉलेस्ट नंबर इज 457, एंड ग्रेटेस्ट नंबर डिसेंडिंग ऑर्डर में फॉर्म करना है, ग्रेटेस्ट टू स्मॉलर, इट मीन्स 7, 5, and 4. Let us take number 410 and 7 and form four digit number, greatest and smallest four digit number. So first smallest number, so arrange the number ascending order. Ascending order it means is smaller to bigger, so smaller to bigger 0, 1, 4, 7. Thus the smallest number using this digit is 40147. But this is not a four digit number, this is only three digit number. It is important to understand that at a zero at the beginning of a number has no meaning. अगर किसी भी number के आगे हम zero लगा देते हैं तो उसकी कोई meaning नहीं होती. मतलब ये number कैसा हुआ? Three digit हुआ. So अब हमें अगर इसका four digit number find करना है, so we put 0 at second place from extreme left. So our number is 1000
47. And when we find greatest number, arrange the number descending order, it means greater to smaller. So 7410, it means 7410. So let's start solve the exercise.